अब आप में से कई लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि मैं कम्प्लीटली कैनन मिररलेस सिस्टम में स्विच कर चुका हूँ। ये कैनन EOS RP है, EOS R है जिससे मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, एंड ये वो लेंस है विच इज़ करंटली माई फेवरेट लेंस। तो ये है कैनन का RF सीरीज का 35mm f1.8 IS STM लेंस। जो भी लोग कमेंट में अभी तक पूछते थे कि मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ उसमें ब्लर इफेक्ट कैसे आता है, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस लेंस। अभी आप जो वीडियो देख रहे हो f2.8 पे है, इसलिए शायद ब्लर इफेक्ट कम होगा, बट मेरी पिछली ऑलमोस्ट 50 वीडियोस इसी लेंस पे शूट हुई हैं। तो इस वीडियो में आई विल बी शेयरिंग माय व्यूज और 5 या 6 ऐसे फीचर्स अबाउट दिस लेंस जो मुझे बहुत अमेजिंग लगे, एंड वो ही रीजंस हैं कि मुझे क्यों लगता है कि मेरे हिसाब से एक ऑलराउंडर हैंड करंटली माय फेवरेट लेंस। अब इससे पहले कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूं, ये जो लेंस है ये सिर्फ कैनन EOS R और EOS RP में लगेगा, बिकॉज ये RF सीरीज का लेंस है जो कैनन का फुल फ्रेम मिररलेस लाइनअप है। ये लेंस सिर्फ उन कैमरास के लिए है। अब एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी RF सीरीज लेंसेज में, और वही मेरा सबसे पहला पॉइंट है जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, दैट इज़ यहाँ पे एक ही एक्स्ट्रा रिंग है, इफ़ यू कैन सी ओवर हियर। अब इस रिंग का जो बेनिफिट है वो अभी तक मैं जो भी DSLR के लेंसेज यूज़ कर रहा था उसमें नहीं था, बहुत अमेजिंग है। इस रिंग को मैं डेडिकेट कर सकता हूँ कुछ फीचर्स जैसे कि शटर स्पीड, एपर्चर, ISO, इवन एक्सपोजर कंपनसेशन मैं इस रिंग पे डाल सकता हूँ। अब उससे होगा क्या, जब मैं शूट कर रहा हूँ, अगर मैं एपर्चर प्रायोरिटी मोड पे शूट कर रहा हूँ तो मुझे कैमरा की सेटिंग्स में बार बार एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। मैं सीधा यहाँ से, अगर मेरा f1.8 है मुझे 2.8 पे जाना है, मैं सीधा यहाँ से चेंज करूँगा एंड मैं शूट कर सकता हूँ, मुझे बार बार स्क्रीन पर नहीं देखना पड़ेगा। और वो सबसे मतलब आउटस्टैंडिंग फीचर मुझे लगा इस लेंस में, और काफ़ी RF सीरीज लेंसेज में फीचर है। तो इसका बेनिफिट ये है, अगर आप किसी एक फंक्शन को आप लेंस पे देना चाहते हो, आप नहीं चाहते बार बार कैमरा देखो, स्पेशली जब आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो या इवेंट्स जहाँ पे आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, इवन वेडिंग्स में आप जल्दी से यहाँ पे शटर स्पीड या एपर्चर एडजस्ट कर सकते हो एंड यू आर रेडी टू गो। अब अगली चीज़ जो मैं हाईलाइट करूँगा वो है, ये लेंस एक्चुअली मैक्रो है, मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट आउट नहीं किया। सो प्राइमरी जो इसका रोल है दैट इज़ मैक्रो लेंस। तो इसका जो क्लोजेस्ट फोकसिंग डिस्टेंस है वो है 0.17 मीटर्स या 0.56 फीट, ऑलमोस्ट आधे फीट पे जाके आप फोकस कर सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ मैक्रो फोटोज़ दिखाता हूँ जो मैंने इस लेंस से शूट करी हैं। बट आई थिंक एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बोलूँगा, हम फोटोग्राफी की बात करते हैं, हम लेंसेज को प्राइमरली आजकल फोटोग्राफी के हिसाब से देख रहे हैं, बट जब से मैं भी मिररलेस पे स्विच कर रहा हूँ, मैं मोस्टली वीडियोज़ ही जब शूट कर रहा हूँ, वीडियोज़ में मैक्रो लेंस का बहुत बेनिफिट होता है, स्पेशली जब मैं क्लोजअप शॉट्स ले रहा हूँ, बी रोल्स ले रहा हूँ, जहाँ मुझे चाहिए अगर मैं एक प्रोडक्ट रिव्यू कर रहा हूँ मैं क्लोजअप दिखा सकता हूँ, तो वहाँ पे ये काफ़ी यूज़फुल होता है। एंड इसका मैग्निफिकेशन 0.5 है, तो नॉट अ प्रॉपर 1:1 मैक्रो, बट स्टिल 1:2 मैक्रो पे भी यू कैन गेट सम अमेजिंग रिजल्ट्स। इवन जब मैंने इतना क्रॉप करा तो भी इतनी डिटेल्स हैं एक मैक्रो लेंस के हिसाब से इसमें। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं हाईलाइट करूँगा दैट इज़ STM लेंस। जब आप वीडियोज़ बनाते हो, आप में से अगर कुछ लोग ऑलरेडी वीडियोज़ करते हो, आप रिलेट कर सकते हो, अगर आपका लेंस STM नहीं है, जब वो कैमरा ऑटो फोकस करता है आवाज़ आती है लेंस में, और स्पेशली अगर आप एक्सटर्नल माइक नहीं यूज़ कर रहे तो आपकी ऑडियो बहुत ख़राब आएगी। बट विद STM लेंस इसमें क्या होता है, अगर मैं चाहे यहाँ खड़ा हूँ या पीछे भी चले जाऊँ, आप अगर इंटरनल भी रिकॉर्डिंग ले रहे हो बहुत माइनर आपको आवाज़ सुनाई देगी जब कैमरा फोकस चेंज करेगा। नेक्स्ट चीज़ है ये लेंस IS लेंस है, इमेज स्टेबलाइजेशन इसमें है। तो जब आप लो लाइट में शूट कर रहे हो, इवन जब मैं वीडियोस हैंडल शूट कर रहा हूँ, मुझे पता है इसमें स्टेबलाइजेशन है, तो मैं बहुत हद तक उसका स्टेबलाइजेशन कंट्रोल कर सकता हूँ। या मैं आपको एक कंपैरिजन दिखा देता हूँ सो दैट आपको प्रैक्टिकली भी पता लग जाएगी स्टेबलाइजेशन परफॉर्मेंस इसका कैसा है। मैंने जितना यूज़ करा है मेरे को बहुत इंप्रेसिव लगा। बाकी अगर मैं फोकसिंग की बात कर रहा हूँ, अगर आप वीडियोज़ करते हो, ऑटो फोकस इज अमेजिंग, मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स अगर मैं वीडियोज़ में मूव भी हो रहा हूँ या इवन मैं बी रोल कर रहा हूँ, सिनेमैटिक शॉट्स निकाल रहा हूँ, फोकसिंग ये काफ़ी अच्छे से लेता है। अब एक मिसकंसेप्शन जो मुझे भी थोड़े टाइम पहले तक था कि मैक्रो लेंस से हम नॉर्मल फोटोग्राफी नहीं कर सकते, मैंने इस लेंस से स्ट्रीट फोटोग्राफी भी करी है, पोर्ट्रेट्स भी लिए हैं बहुत, क्योंकि ये लेंस मेरे हमेशा EOS R कैमरा में रहता है, और That is why I call it all in one lens, because आप इससे street, wedding, portrait,
वीडियोस, मैक्रो, ऑलमोस्ट सब कुछ कर सकते हो विद दिस वन लेंस। टॉकिंग अबाउट प्राइस, आई थिंक ये 41,000 इसका MRP है, डिस्काउंट के बाद जो भी आपको ऑनलाइन या स्टोर्स में मिलेगा वो आप चेक कर सकते हो। सो एट दिस प्राइस आई थिंक ये लेंस बहुत अमेजिंग है, मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ इट्स बीन अमेजिंग। तो अगर कोई मेरे से पूछता है EOS R या RP के लिए एक ऑलराउंडर लेंस, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस। अगर आप में से कोई बाई चांस ये लेंस यूज़ कर रहा है, मुझे कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस बताना, आई वुड लव टू नो। और अब जो भी मेरे से पूछता था कि मेरी वीडियोज़ में इतना अच्छा ब्लर इफेक्ट कैसे आता है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस लेंस। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस अबाउट कैनन RF 35mm f/1.8 मैक्रो ISSTM लेंस। आपके क्या व्यूज़ हैं अबाउट दिस लेंस, डू कमेंट एंड लेट मी नो। मेरे हिसाब से तो बहुत सही है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग एंड स्टे होम स्टे सेफ।